सेंटेंसेस, क्या कह रहे हैं हम? सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है, तो नजीर के पास एक मुर्गी है, कोई काम नहीं हो रहा इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा नजीर इंग्लिश। अब के पास है, इसकी एक इंग्लिश होती है, हैज या है, जो वह चीजें होंगी उनके लिए हैज यूज करेंगे और ज्यादा के लिए हैव यूज करेंगे। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले आएगा नजीर, एन ए वी आई आर, नजीर के पास है, हैज एक मुर्गी, आ है। ठीक है, के पास है, इन तीनों वर्ड्स की इंग्लिश क्या है? हैज। अब यहाँ है कि इंग्लिश इज लगाने ना बैठ जाना, जब फिक्रे में ऐसे आ जाए। अब देखो, आपने जरूरी नहीं फिक्रे में ये ढूंढना है पास है कि नहीं, आपने ये चीज सेंस समझनी है कि वो पूछ रहा है कि उसके पास कोई चीज है कि नहीं। जैसे मगर तो मेरे दो हाथ हैं, तो ये भी वही सेंस बनेगी। ठीक है, अब इसके आगे फिक्रे हैं वो मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताएंगे मुझे। उसकी दो टांगे हैं, तो देखे ना ये उसकी, उसके पास है, वो मालिक है। उसकी दो टांगे हैं, उसकी दो टांगे हैं। अब उसकी इंग्लिश होती है हीज या हर, लेकिन उसकी जब शुरू में हो तो ही होता है। ठीक है, ही है या शी, अब पता नहीं ना कि वो लड़के को कह रहे हैं लड़की को कह रहे, ही भी लगा सकते हैं और शी भी लगा सकते हैं, तो मैं ऐसे कर देता हूँ, दोनों से सही होगा। शुरू में उसकी हो तो वो, अब ऐसे तो नहीं कहेंगे ना वो की दो टांगे हैं, असल में कहा वो ही जा रहा है, लेकिन शुरू में तो ही आएगा या शी, हीज या हर नहीं आएगा। उसकी और है की इंग्लिश हैज, यहाँ आर नहीं लगेगा, आर नहीं लगेगा यहाँ पर, ये सिंपल सेंटेंसेस है अभी तक। ये वो वाले फिक्रे हैं जिनमें हमें पता चलता है ये वो किसी चीज का कोई मालिक है या उसके पास वो चीजें हैं, तब हैज या हैव लगेगा। आर उड़ ना लगाने बैठे, दो टांगे टू लेग्स, ये आपने इसको देख के लगाना है, इसको देख के ना लगाना है, इसको देखोगे तो फिर गलत कर लोगे। ठीक है, रशीद के पास 9 बकरियां हैं, रशीद हैज 9 गोट्स, रशीद के पास 9 बकरियां हैं, रशीद हैज 9 गोट्स। नेक्स्ट, उनके पास नए जूते हैं, उनके पास नए जूते हैं। अब शुरू में उनके हो तो दे होगा, दे हैव न्यू शूज। मेरी 10 उंगलियां हैं, आई आई के साथ हैव लगता है, आई के साथ आई हैव 10 फिंगर्स, 10 फिंगर्स, मेरे पास एक छड़ी है, आई के साथ हैव लगता है। अभी इसने बोला भाई कौन थे तुम, अंदर बैठे हो, आप पढ़ो, मेरे पास एक छड़ी है। क्या इसके पास एक गेंद है? ठीक है जी, has he a ball? कल करवाई भी थी एक्सरसाइज, कल ही एक्सरसाइज करवाई भी थी आपको, ठीक है ना, ये एक्सरसाइज करवाई भी थी, फिर भी पता नहीं क्या शहजादे लोग हो आप लोग। मरियम के पास 11 रुपए हैं, आप पढ़े जी आगे, मरियम के पास 11 रुपए हैं, मरियम हैज 11 रुपीज, हमारी दो टांगे और दो पाँव हैं। ठीक है, वी हैव टू लेग्स एंड टू फीट, क्या उसके दांत सफेद हैं? हैज ही वाइट टीथ, हैज ही वाइट टीथ, इनके पास बहुत गोश्त है, दे हैव मैच मैनी, देखो जो चीज गिनती में होती है वो मैनी होती है। अब गोश्त गिनते तो नहीं है ना, एक गोश्त दो गोश्त, क्वांटिटी होती है, तो मच, दे हैव मच मीट, दे हैव मच, उनके पास बहुत गोश्त है, दे हैव मच मीट। क्या तुम्हारे पास कोई मिठाई है? क्या तुम्हारे पास कोई मिठाई है? हैव शुरू में चला जाएगा, बस बताया हुआ है, देखो ना मैंने बताया हुआ, बस वो हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाना है जब क्या आ जाए, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, जब टेंस शुरू हो जाएंगे फिर और मामला होगा, अभी तो ये आसान है। ठीक है, हैव यू एनी स्वीट, क्या उसके पास कोई चाकू है? हैज ही एनी नाइफ, हैज ही एनी नाइफ,
क्या गाय की दुम लंबी होती है? Has cow long tail. ठीक है जी, अब ये है हूँ वाले खत्म हो गए, अब ये था थी वाले शुरू हो। वो कौन था? अब देखो हो की इंग्लिश पहले आ जाएगी, था की वो की बाद। ठीक है, कौन की इंग्लिश? हो W H O हो, था वास ही या दैट विल लास्ट। ऐसे जो कौन होता है ना, ये इंसान के बारे में पूछने के लिए होता है। वो कौन? ऐसे तो नहीं वो तो हो भी सकता है, लेकिन ये सही है। हो वास ही, वो कौन था? कमरे में कौन थे? Who was in the room? ये होता है फायदा, आगे बात नहीं, पीछे छोड़, आगे दौड़ी जा। वास तो पहुंच गया ना, पिछला नहीं आ रहा तुम्हें। समझ आ रही है बेटा? आगे भागने का कोई फायदा नहीं, पीछे से नहीं आपकी बेस पक्की है। मिक्स कर के हो ना तुम, बनाओ पहले इसकी बनाएंगे, फिर इसकी, फिर इन दोनों की। चलो बनाओ, ज्यादा है ना तो बाहर आएगा। ओ बार, कमरे में, इन रूम, ये पढ़ा था ना, प्रेपोजिशन पहले होती है, प्रेपोजिशन पहले, रूम बाद में। हो बार इन द रूम। चांद अब कहाँ है? बाग के अंदर कौन है? कहाँ है मोहित? मैं पकड़ो ना। चांद अब कहाँ है? इसको दे। चांद अब कहाँ है? ओ बाग के अंदर कौन है? इसकी बनाओ पहले। बाग के अंदर कौन है जी? Who is in the garden? ठीक है, बाग के अंदर कौन है? Who is in the garden? तुम्हारे दांत कितने हैं? How many teeth have you? ठीक है, तुम्हारे दांत कितने हैं? अच्छा ये आप जरा गौर से मेरी बात सुन लो, जब फिक्रे में आएगा ना कितने, गौर से सुन लो, इसकी इंग्लिश कट्ठी लिखनी है आपने, कितने दांत की इंग्लिश कट्ठी लिखनी है, कितने की कैली नहीं आएगी, कितने, हाउ मैनी, और टीथ इसके साथ ही आ जाएगा, हाउ मैनी टीथ। अब ये देखो, ये वो पिछली मशक का ही कंटिन्यूस है, कह रहा है तुम्हारे कितने, तुम्हारे पास कितने, वो वाली सेंस है। पास लिखा तो नहीं हुआ, लेकिन पूछ वैसे किस सेंस ही रहा है। ठीक है, इसलिए टीथ ज्यादा है ना तो है, तुम्हारे की इंग्लिश योर होती है, लेकिन शुरू में हो तो यू होती है, शुरू में हो तो यू होती है। ठीक है, शुरू में तुम्हारी की इंग्लिश यू होती है। तुम कल कहाँ थे? आर की सब एक इंग्लिश है। तुम कल कहाँ थे? वेयर वाज, लिखा हुआ ऊपर थे, वार होता है, आर कहाँ से बना रहे हो, इतनी वोकल होनी चाहिए, ऊपर देख के बनाओ। वेयर वार यू यस्टरडे। तुम्हारे कमरे में कौन है? तुम्हारे कमरे में कौन है? आप बनाओ उसको, मैं मुंतज नहीं आता। तुम्हारे कमरे में कौन, तुम्हारे कमरे में कौन है? कौन हो is in your room, बस ये सिंपल था। ठीक है, who is in your room? In your room, छत पर कौन है? Who is at the roof? Who is at the roof? R double O F। इस किताब के कितने सफ़े हैं? अभी मैंने बताया था ना कितने के साथ वाले की इकट्ठी इंग्लिश बनेगी, कितने सफ़े, how many pages has this book? ठीक है, has this book, How many pages has this book? तुम्हारे साथ कौन है? आपको पता भी है कि हम सिंपल सेंटेंस कर रहे हैं, तो आप एडवांस में करके नहीं आ सकते घर से, ये तो आपका शौक है, ये तो आपकी वो तलब है, मैच का आपको पता होता है कल किसका मैच है, ये नहीं पता अगले में से कौन सी हम घर से कर ही जाएं, किसी से पूछ ही लें, कहीं इज्जत ही ना हो रही क्लास, ये कुछ बनोगे याद रख। तुम्हारे साथ कौन है? तुम बनाओ, अब ऐसे बैठी हुई है। Who is with you? तुम्हारे साथ कौन है? Who is with you? ये देखो, ये सिंपल सिंपल फिक्रे हैं, आप एक दूसरे से इंग्लिश भी बोल सकते हैं। ये पूछने के लिए कौन था, आप कहेंगे Who was with you? फिर खुद से भी बना, तुम्हारा नाम क्या है? आप बनाओ, तुम्हारा नाम क्या है? My name is Rolf. तुम्हारा नाम क्या है? What is your name? What is your name? इतना फिक्रा तो बोल सकते हैं ना इंग्लिश में, किसी को पूछोगे जाके आज ये असाइनमेंट आप, कम से कम 10 बंदों से इंग्लिश में पूछना है, व्हाट इज योर नेम, ओकेगा सब बाजत तो फिर क्या कहेंगे आगे से? डोंट वरी, प्लीज टेल मी योर नेम। चांद 1 2 3। चांद अब कहाँ है? ये फिक्रा मुझे लगता है दोबारा नहीं आ रहा, पहले पूछा ही नहीं। चांद अब कहाँ है? तुम बता दो, तुम्हें आना हो। ठीक है जी,
पहले वेयर की इंग्लिश फिर है की वन टू थ्री फोर ठीक है वेयर। अच्छा जब इंग्लिश लिखते हैं ना पहला वर्ड कोशिश करें वाकई बड़ा लगना चाहिए ठीक है। वेयर इज मून नाउ ठीक है। वेयर इज मून नाउ दीवार के पीछे कौन है किसी को आता है who is behind the wall। तुम सुबह कहाँ थे आप बनाए शिदा थे तुम सुबह कहाँ थे ऊपर देखो भी फिर से ही बनेगी मेरे तरफ ना देखो फिर भी बनेगा से ऊपर देखो you were where were you evening in ऊपर देख रहे हैं मॉर्निंग अब where were you in the morning where were you in the morning तुम्हारी कितनी उंगलियां हैं ठीक है जी कितनी कट आएगा how many fingers next have you ठीक है have you how many fingers have you चांद कहाँ था जी चांद कल कहाँ था चांद कहाँ था where was moon चांद कहाँ था where was moon दरवाजे पर कौन है who is at the door दरवाजे के ऊपर तो नहीं ना बैठा होता चढ़ के खड़ा होता दरवाजे के पास तो पोजीशन बता रहे हैं एट ठीक है। तो अब जब आप दरवाजे पे जाएंगे और कोई दरवाजा नॉक कर रहा होगा तो आपने आज के बाद क्या पूछना है who is at the door who is at the door ठीक है ये नहीं पूछना कौन है बोलेंगे कि नहीं कम से कम 10 दफा ये फिकरा बोलना 10 दफा कोई आएगा ना रोज तो तुम बताना आगे से वो क्या कहते हैं कहना है तुम्हारा नौकर कहाँ है ऊपर देख के बनाओ तुम्हारा नौकर कहाँ है वेयर इज योर सर्वेंट तुम्हारा बाप क्या काम करता है कौन रहेगा व्हाट वर्क डज योर फादर डू व्हाट डज योर फादर डू व्हाट वर्क योर फादर डू डज योर या व्हाट डज योर फादर डू बात एक ही है तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं कौन बनाएगा हाउ मैनी बुक्स ये देखो मैनी वाला एक हटाना है वर्ड हाउ मैनी बुक्स हैव यू बुक्स ज्यादा है ना तो हैव यू तुम्हारी उम्र कितनी है कौन बनाएगा हाउ ओल्ड आर यू व्हाट इज योर एज हाउ ओल्ड आर यू तो ये पूछेंगे ना आज तो आपको इंग्लिश थोड़ी थोड़ी बोलनी जाएगी तो कर जाएंगे भाई अपने भाई से पूछेंगे हाउ ओल्ड आर यू तो कहेगा क्या पूछ रहे हो ठीक है ऐसे मामा से पूछना है मामा व्हाट इज योर एज हाउ ओल्ड आर यू ऐसे आपस में भी पूछ सकते हैं तो कम से कम 10 दफा ये विकरा बोलना है आप लोगों ने ठीक है और फिर बताना है आगे से